इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है? बेसिकली ये रिलेशनशिप को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा होता है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दो तरह के इसमें वेरिएबल्स होते हैं जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर का मतलब ये है कि उसकी जो डिग्री होगी वेरिएबल्स की वो वन होगी, और इसको हम सिंपल वर्डिंग में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखते हैं। ठीक है, ये क्या स्टेट कर रहा होता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन की ये इक्वेशन होती है। नेक्स्ट हम इसको फर्दर डिटेल में अच्छे तरीके से देखेंगे, अभी जस्ट ये रफ आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें देखें कि जब हम x की डिफरेंट वैल्यूज लगाएंगे तो हमारे पास y की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारे पास y की आएंगी। तो इट मीन्स x क्या है हमारे पास, यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो रिग्रेशन क्या इस्टेब्लिश करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है फॉर अ यूनिट चेंज, किसी एक सिंगल यूनिट चेंज की वजह से जो वाई में चेंज आता है उसको हमारे पास मेजर करने के लिए सिंपल रिग्रेशन लाइन यूज़ होती है। तो इसकी दो टाइप्स होंगी, पॉपुलेशन के लिए उसको हम डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करेंगे और सैंपल के लिए डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? द रिग्रेशन इज यूज टू प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इफ द वैल्यू फॉर अनदर वेरिएबल इज गिवन। जिस तरह अभी हमने बात की y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बेसिकली ये क्या करता है कि x अगर हमारे पास वेरिएबल गिवन है तो ये y में जो है वो चेंज फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। अमंग द टू वेरिएबल्स वन शुड बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने कहा कि ये जो x होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड द अदर इज ट्रीटेड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए और x डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए। किस फॉर्म में ये पॉसिबल है कि अगर आपके पास ये कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन हो x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, अगर इस फॉर्म में हो तो आपको पता है कि y को जो डिफरेंट वैल्यू आप देंगे उसके करेस्पॉन्डिंग हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि x ही हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, लेकिन जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही लेकर चलेंगे। द रिलेशनशिप स्टेटेड अबव कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अमंग द टू वेरिएबल्स से एक्स एंड वाई एट अ टाइम वन कैन बी ट्रीटेड एज डिपेंड। इसको हम इसकी दो तरह की लाइन्स हम लीनियर लाइन्स जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई और सेकेंड क्या है वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए मॉडल क्या होता है हमारे पास, जिस तरह स्टार्टिंग में हमने बात की कि इसको वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको ए प्लस बी एक्स नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। बीटा नॉट हमने दे दिया, फिर उसके बाद जो एक्स के साथ कोफिशेंट है उसको बीटा वन का नाम दे दिया, और ये एक एप्सिलॉन टर्म या फिर एरर टर्म आपको नजर आ रही है, या फिर इसको रैंडम एरर कंपोनेंट भी कहते हैं। तो यहां पे देखें y हमारे पास क्या है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इस तरफ है, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। बीटा वन जो x के साथ जो कोफिशेंट होता है उसको हम पॉपुलेशन स्लोप कोफिशेंट कहते हैं। ठीक है, ये पॉपुलेशन के लिए हम पॉपुलेशन मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे पॉपुलेशन स्लोप कोफिशेंट। और जो बीटा नॉट होता है इसको पॉपुलेशन y इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ पे ये वाला y इंटरसेप्ट है और ये वाला जो है ये स्लोप कोफिशेंट है। b हमारे पास क्या है स्लोप कोफिशेंट है, और इस फॉर्म में हमारे पास बीटा नॉट जो है वो क्या है स्लोप कोफिशेंट है, और एप्सिलॉन क्या है ये बेसिकली रैंडम एरर है या फिर इसको हम रेजिडुअल भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल है कि कुछ लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन सही ना दी हो। तो ओवरऑल हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स या फिर कुछ ना कुछ जो है वो मेजरमेंट्स में अगर फ़र्क आ गया हो तो ये साथ में एरर कंपोनेंट आता है। लीनियर रिग्रेशन अजम्पशंस के लिए हम क्या कहते हैं कि एरर जो है एरर वैल्यूज एप्सिलॉन आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, मीन्स ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती। एरर वैल्यूज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स इज नॉर्मल। एरर्स पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बना लें डिफरेंट वैल्यूज के लिए तो आपके पास वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, हमेशा नॉर्मल बनता है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरर्स हैज़ कांस्टेंट वेरिएंस, मींस अगर आप वेरिएंस की बात करें वेरिएंस ऑफ एरर टर्म तो वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है।
ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। द अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स वेरिएबल एंड द वाई वेरिएबल इज लीनियर। जिस तरह हमने कहा कि एक्स और वाई जो है वो लीनियर वेरिएबल्स हैं और ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन था। अब हम बात करते हैं एस्टिमेटेड रिग्रेशन मॉडल, या फिर जो हमारे पास सैंपल के लिए जो रिग्रेशन मॉडल होगा वो किस तरह से होगा। इसके ऊपर ये वाई हेड आ जाता है, इस तरह कैप आ जाती है। वाई आई हेड इज इक्वल टू बी नॉट, उसमें हमने पॉपुलेशन के लिए बीटा नॉट कहा था और बीटा वन कहा था, इसमें बी नॉट बी वन है तो ये आ जाता है। उसके बाद क्या आएगा, बी नॉट क्या है हमारे पास बेसिकली, ये हमने कहा था कि ये वाई इंटरसेप्ट है या फिर इसको एस्टिमेट ऑफ द रिग्रेशन इंटरसेप्ट कहते हैं। और ये वाई जो है ये क्या कहलाती है, प्रिडिक्टेड वैल्यू। और ये जो एक्स है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और इसको हम प्रिडिक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसकी बेस पे हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो सैंपल के लिए हम कर रहे होते हैं उसमें रेजिडुअल वाले टर्म इन्वॉल्व नहीं होती। द इंडिविजुअल रैंडम एरर टर्म हैव अ मीन ऑफ ज़ीरो, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाती है इस केस में। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो सकता है कि यहाँ पे दो तरह के आपके पास कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व थे, एक था बी नॉट एक था बी वन, वो हमारे पास आएंगे तो ही तो हम वाई जो है वो ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये या फिर इसको हम बी नॉट था ये वाला और ये बी वन था, तो बेसिकली हमारा क्या टारगेट होगा कि बी नॉट और बी वन को कैलकुलेट करना। ये इनके फार्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने हैं। बी वन जो कि स्लोप कोफिशेंट है उसका फार्मूला होता है स्मिशन एक्स वाई, और फिर उसके बाद ये वाला स्मिशन एक्स वाई सेपरेटली दोनों पे अप्लाई हो जाता है, स्मिशन एक्स स्मिशन वाई ओवर एन स्मिशन एक्स स्क्वेयर पहले होगा माइनस फिर स्मिशन एक्स होल स्क्वेयर आ जाता है। बी नॉट क्या होता है, ये वाई बार माइनस बी वन एक्स बार आ जाता है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है। या फिर आप सिंपली इसको ये लिख सकते हैं कि बी नॉट इज इक्वल टू वाई की एवरेज जो कि समीशन वाई ओवर एन होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, और एक्स बार क्या होता है, ये हमारे पास समीशन एक्स ओवर एन आता है, इसकी एवरेज हम कैलकुलेट कर लेंगे। और बी वन यहाँ से आ गया होगा तो इस तरीके से हम ये कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करके ऊपर वाली लाइन में रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है कि आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये गिवन है, उनकी एजेस दी हुई हैं और डिफरेंट एजेस के पीपल के ब्लड प्रेशर्स दिए हुए हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने क्वेश्चन में देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। एग्जांपल द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 8 पर्सन, फाइंड द रिग्रेशन लाइन। हमने रिग्रेशन लाइन को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास एक्स है और ये वाली वैल्यूज़ वाई हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्योंकि हमें एवरेज भी कैलकुलेट करनी है इसकी, ये 8 वैल्यूज़ हैं तो 8 आ गया आपके पास। तो कंप्यूटेशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन जो कि किस फॉर्म में थी आपके पास, जो कि थी इस फॉर्म में, वाई हैड इज इक्वल टू फॉर्म में है वाई हैड इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। यहाँ पे हमें बी नॉट चाहिए बी वन चाहिए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। बी वन आपको पता ही किसके इक्वल है, उसका फार्मूला ये है। इट मीन्स हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। बी वन कैलकुलेट करने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने कर लिया, और इसके अलावा फिर एंड पे लास्ट में इन दोनों का समिशन भी कर लेंगे, समिशन एक्स वाई हो गया, और यहाँ पे भी हमें समिशन एक्स करना पड़ेगा और समिशन वाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वेयर का एक और कॉलम आपके पास बनेगा, वैल्यूज आपके पास गिवन होगी, आपने उन्हीं को यूज करना है, और लास्ट में जो है वो समिशन एक्स स्क्वेयर का एक हमारे पास ऐड होके आ जाएगा, और फिर समिशन एक्स होल स्क्वेयर, ठीक है, ये जो समिशन एक्स आया इस सारे का होल स्क्वेयर आ जाएगा। इसी तरह से एक्स बार आपने कैलकुलेट करनी है, तो जहां पे आपने ये वाला समिशन एक्स कैलकुलेट किया हुआ होगा उसको जस्ट एन पे डिवाइड कर देना है, आपके पास एक्स बार आ जाएगा, सेम इसी तरह से वाई बार आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखें, एक्स और वाई गिवन था तो हमने क्या किया, थर्ड कॉलम जो है वो एक्स फाइव जो है वो बना लिया, और यहाँ पे जो है वो ओवर में इन दोनों को ऐड कर दिया, समीशन एक्स और समीशन वाई कर दिया। नेक्स्ट हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी कि हमने इन दोनों को भी ऐड कर दिया और एक्स स्क्वेयर हमने ये वाली वैल्यूज़ के स्क्वेयर्स कर लिए, 56 का स्क्वेयर, इसी तरह से ये 50 का स्क्वेयर, 2500, इन सब वैल्यूज़ का स्क्वेयर कर लिया और इनको भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इन जो बेसिक फार्मूलाज हैं इनमें आपको इनको रिप्लेस कर देना है। बी वन इज इक्वल टू दिस आ गया और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा,
और एक्स बार जो है वो हमारे पास ये वाला आ गया, वाई बार इस फॉर्म में आ गया, और इसको इसमें रिप्लेस करेंगे तो आपके पास बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी जो कि होती है वाई बार माइनस बी वन एक्स बार। वाई बार हमारे पास ये वाला आया है, माइनस बी वन जो है वो ये वाला आया है, इंटू एक्स बार ये वाला है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद लास्ट में हम इसको रिग्रेशन लाइन में रिप्लेस करके तो ये आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो आपने इसी फॉर्म में फाइंड आउट करना है। अगर आपसे कहा जाए कि वाई जो है उसका रिलेशन ऑन एक्स आपने फाइंड आउट करना है, या फिर आपने चेक कर लेना है कि कोई वेरिएबल उसने अपनी तरफ से तो मेंशन नहीं किया हुआ, अदरवाइज आप यही स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि वाई हेड आपके पास ये वाली इक्वेशन आई, और यहाँ पे देखें ये एक्स इन्वॉल्व होता है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, वाई माइनस वाई हेड डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो आपके पास जो रिग्रेशन लाइन आई है इसका क्या मतलब बनता है, द वैल्यू ऑफ बी वन, आपको पता है ये क्या था, ये आपके पास बेसिकली रिग्रेशन कोफिशियंट था, या फिर हम इसको स्लोप कोफिशियंट भी कहते थे। द वैल्यू ऑफ बी वन इज इक्वल टू दिस इंडिकेट्स दैट द एवरेज वाई, जो एवरेज वाई है ये वाली, इसकी जो एवरेज वाई है क्योंकि ये एवरेज चेंज को मेजर करता है, जो कि ब्लड प्रेशर को डिनोट कर रही है, आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय दिस, जो इसके साथ जो वैल्यूज होगी उसके, ये चूंकि पॉजिटिव है इसलिए इतनी ये इंक्रीज हो जाएगी फॉर यूनिट इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में अगर आप यूनिट इंक्रीज करते हैं ना, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे पास जो इसके साथ वेरिएबल, जो इसके साथ कोफिशेंट है, उतने टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव है तो उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपको कोई भी रिग्रेशन लाइन आपने कैलकुलेट कर लिया तो उसको डिफाइन करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ बी नॉट इज इक्वल टू दिस इंडिकेट्स दैट द एवरेज ब्लड प्रेशर विदाउट एनी एक्सरसाइज एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये बी नॉट की जो वैल्यू है वो आपके पास बेसिकली किस तरह से आएगी, अगर एक्स को आप जीरो रिप्लेस कर देते हैं तो ये वाली जो वैल्यू थी ये बी नॉट थी। द वैल्यू ऑफ बी नॉट इंडिकेट्स दैट द एवरेज ब्लड प्रेशर विदाउट एनी एक्सरसाइज, मीन्स ये एक्सरसाइज थी तो एक्स आपने जीरो रख लिया। द इंटरप्रिटेशन ऑफ बी नॉट इज नॉट ऑलवेज मीनिंगफुल, मीन्स इतना इसका हमें इतना फायदा नहीं होता जितना रिग्रेशन कोफिशियंट का फायदा होता है। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं। ये किस तरह से आएगा, द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको पता है आपके पास दो वेरिएबल्स थे एक्स और वाई, एक्स के लिए कोई ना कोई वाई मौजूद था, डोंट ऑल फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन, जो आपके पास रिग्रेशन लाइन वाई इज इक्वल टू y हेड इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स बनी, अगर आप इसको प्लॉट कर लें और देखें कि क्या ये x और y की सारी वैल्यूज जो है वो इस रिग्रेशन लाइन के आसपास फॉल कर रही हैं कि नहीं कर रही, बट दे स्कैटर फ्रॉम इट, अगर वो इससे बिखर जाएं, स्कैटर हो जाएं, मीन्स उनमें डेविएशन आ जाए। ठीक है, द डिग्री ऑफ स्कैटर आर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मीन्स फैलाव ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज अबाउट द रिग्रेशन लाइन इज मेजर्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि उनमें जो फैलाव है, स्कैटर्डनेस है, मीन्स आपके पास ये रिग्रेशन लाइन है, आपकी वैल्यूज जो है वो इस तरह से यहाँ वहाँ लाए कर रही हैं, तो इसको मेजर करने के लिए कि वो कितनी दूर लाए कर रही हैं या फिर उनमें स्कैटर्डनेस क्या है, तो हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। उसका सिंपल फार्मूला क्या होता है, ये जो हमने नेक्स्ट कॉलम बनाया था ना वाई माइनस वाई हेड, इसका आप स्क्वेयर कर देंगे और एन जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी माइनस टू करके उस पर डिवाइड करके स्क्वेयर रूट ले लेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास ये इसकी इक्वल आ जाता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेशन का एक और फार्मूला भी होता है, क्योंकि हमें ये वाला कैलकुलेट करना ना ही पड़े, ऑलरेडी हमने क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की हुई थी, अगर उनको यूज़ करते हुए हमारा काम हो जाए तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, समिशन वाई स्क्वेयर माइनस बी नॉट समिशन वाई माइनस बी वन समिशन एक्स वाई ओवर एन माइनस टू। तो अगर आपने समिशन वाई स्क्वायर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, समिशन वाई कैलकुलेट किया हुआ है, समिशन एक्स वाई कैलकुलेट किया हुआ है, तो सिंपली आप क्या करेंगे कि आप इन वैल्यूज को इस फॉर्म में लिख के और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा और आपको ये वाला कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये कैलकुलेशन का तरीका बताया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर गुडनेस ऑफ फिट, अ कॉमनली यूज मेजर ऑफ द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ लीनियर मॉडल आर स्क्वायर इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन।
के कॉमनली यूज मेजर ऑफ गुडनेस, के दोनों के दरमियान कितना पॉजिटिव रिलेशन है, उसके लिए हमें कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन यूज होता है, वो आर स्क्वेयर से हम उसको डिनोट करते हैं। द कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये हमें क्या बताता है, टेल्स अस द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन द रिस्पॉन्स वेरिएबल एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। के अभी हमने कहा था कि अगर y जो है y हेड इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स है, तो x में जो यूनिट चेंज होगा उसकी बेस में y में जो एवरेज चेंज होगा वो हमें लीनियर रिग्रेशन लाइन मेजर करना सिखाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जितना इसमें चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये क्या है, ये उसका रिस्पांस वेरिएबल है। x की वैल्यू जब आप चेंज करते हैं तो y की वैल्यू में चेंज आता है, इट मींस y हमारे पास रिस्पांस करता है, ये एक्शन करता है, ये रिएक्शन देता है। द कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन टेल्स अस द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन द रिस्पांस वेरिएबल एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये हमेशा 0 और 1 के इन बिटवीन होता है, रेंज ऑफ आर स्क्वायर इज ये हमारे पास ये होती है। सपोज अगर हमारे पास कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन 83% है, ये नेक्स्ट हम इसका फार्मूला भी देखेंगे, अभी जस्ट इसकी बेसिक्स देख ले। अगर ये 83% है, दिस इंडिकेट्स दैट 83% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन रिस्पॉन्स डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय इट्स लीनियर रिलेशनशिप विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो आपके पास लीनियर रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था, अगर आपके पास आर स्क्वेयर की वैल्यू 83% आ जाए, इट मीन्स ये उसकी गुडनेस इसकी जो है ये क्या है, कोफिशेंट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट है। तो ये हमारे पास 83% उसको एक्सप्लेन कर रहा है, बट 17% वेरिएशन बाई चांस आर ड्यू टू अदर फैक्टर्स, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आर स्क्वेयर का जो फार्मूला होता है वो सिंपली हमारे पास क्या होता है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर टोटल वेरिएशन। स्कैटर्डनेस वेरिएशन क्या होता है हमारे पास बेसिकली, कि उनमें कितना चेंज आ रहा है, टोटल का मतलब ओवरऑल कितना चेंज आ रहा है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास मिशन वाई माइनस वाई बार उसका स्क्वेयर कैलकुलेट करेंगे, जिसमें ये एवरेज इन्वॉल्व होती है उसको हम टोटल वेरिएशन कहते हैं। पहले हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद इनके स्क्वेयर का कॉलम बना लेंगे, या आप इकट्ठे एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं, और इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मिशन वाई स्क्वेयर माइनस मिशन वाई होल स्क्वेयर ओवर एन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ताकि आपके ये जो लेंथी कैलकुलेशंस हैं उसके उसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड वेरिएशन टोटल वेरिएशन तो आपने देख लिया, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या होगी, अगर हमें अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन का पता हो तो हम क्या करेंगे कि टोटल वेरिएशन में से अनएक्सप्लेन्ड को माइनस कर देंगे तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन आ जाएगी। तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या होती है, वो हमारे पास इसकी इक्वल होती है मिशन वाई माइनस वाई हेड स्क्वेयर। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने देखा कि ये हमारे पास मिशन वाई स्क्वेयर माइनस एक ही जगह पे बी नॉट वहाँ पे यूज हुआ था, तो ये बी नॉट मिशन वाई माइनस, और बी की जगह पे वहाँ पे बी वन यूज हुआ था, तो बी वन मिशन एक्स वाई आ जाएगा। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या होगा, टोटल वेरिएशन माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन आ गया। तो अब हमने क्या करना है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या हुआ हमारे पास, ये इसके इक्वल हुआ, और इसको डिवाइड किससे करना है, टोटल वेरिएशन से आपने डिवाइड कर देना है। टोटल वेरिएशन से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला डिवाइड होके वन हो जाएगा, और ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर टोटल वेरिएशन माइनस के साथ हमारे पास आ जाएगा। तो इसका जो फार्मूला बना वो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू वन माइनस मिशन वाई माइनस वाई हेड स्क्वेयर, जो कि अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन थी, ओवर मिशन वाई माइनस वाई बार स्क्वेयर, जो कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन थी। और इस तरह से इसका आंसर ये आ गया आपके पास। ओके, दैट्स द एंड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क थ्रू कमेंट्स।